नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं नर्मदा घाट में, जबलपुर में। नर्मदा घाट का दिलकश नज़ारा, जय माँ नर्मदे। नर्मदा घाट का दिलकश नज़ारा, जबलपुर मध्य प्रदेश। और आप देखिए ये नर्मदा घाट के किनारे किस प्रकार से छोटी छोटी दुकानें माँ नर्मदा को प्रसाद के रूप में हम यहाँ पे से लेके चढ़ा सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है नर्मदा का ये घाट। इस प्रकार से यहाँ पे अगर आप आते हैं तो पूजा की सामग्री, नारियल, फूल, प्रसाद सब कुछ मौजूद है। मध्य प्रदेश सरकार इस घाट को और सुंदर कर सकती है, प्रयास जारी हैं। इस नर्मदा घाट में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जबलपुर शहर के अंदर, बहुत ही सुंदर शहर। देखिए इसका सुंदर सा नज़ारा, चारों तरफ हरियाली शहर को और ही अधिक मनमोहक बनाती है। बिल्कुल शांत शहर, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं। जो सबसे अच्छी बात मध्य प्रदेश के इस जबलपुर शहर की है कि इसकी हरियाली सभी को अपनी ओर बरबस आकर्षित करती है और अन्य शहरों को भी ये लेसन देती है कि हमें अपने शहरों को, कस्बों को हरा भरा रखना चाहिए। लोगों का व्यवहार बहुत ही अच्छा यहाँ का। जितने भी लोगों से हमारी बातें हुई, बद्री विशाल का नाम सुन के ही सभी ने कहा कि वे भी बद्रीधाम एक बार ज़रूर आना चाहेंगे। और कई ने बताया कि वो जब ज्योतिषपीठ पहुँचे थे तो यहाँ के लोगों द्वारा सदैव उनसे सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया। हजारों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के जबलपुर में आके जब जोशीमठ के लोगों के बारे में यहाँ के लोग इतना अच्छी बातें बोलते हैं तो ये एक सुखद अनुभव देती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर, अब हम जबलपुर शहर के कुछ और अंदर, भीड़ थोड़ी बढ़ गई है। और देखिए श्री वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल महाविद्यालय, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, आगे एक साइन बोर्ड आता हुआ जो बताता है कि सामने बस स्टैंड, सदन महल और गड़ा बाजार आगे कहीं है। मटकों की दुकान सड़क के किनारे जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, हम उत्तराखंड वासियों को बरबस। स्कूल से आते हुए बच्चे, कुछ बच्चे ऑटो का इंतजार कर रहे हैं। सुजुकी का शोरूम, छोटे छोटे घर, होटल मारुति मंडप, नेक्सा मारुति शोरूम। और अभी थोड़ी देर में हनुमान जी की एक विशालकाय मूर्ति आने वाली है, आपको दिखाएंगे। हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति, साथ में काली माता की मूर्ति, अन्य देवी देवताओं की मूर्ति ऊंची चट्टान के ऊपर। सामने कैनरा बैंक, सुंदर नज़ारा, भक्त अंदर दर्शन कर रहे हैं। और एक ये भी नज़ारा दुखद, जो हर आदमी को दुख देता है कि देश की स्थिति अभी भी ऐसी है कि रोजगार से काफ़ी लोग दूर हैं। एक प्यारी सी झील, सुंदर सी झील सड़क के किनारे इस शहर को और खूबसूरत बनाती है।
फ्यूलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं, जगह जगह पे हर 2-3 किलोमीटर में पेट्रोल पंप डीजल पंप उपलब्ध। फिर से देखिए हरियाली, जहाँ तक नज़र जाती है चारों ओर फिर से हरियाली, उसके बीच में मजबूत सड़क का निर्माण होते हुए, और अब सेल्फी पॉइंट बहुत ही सुंदर डेवलप किया है यहाँ की सरकार ने, और हमारे सभी साथी सेल्फी पॉइंट के अंदर जाते हुए आपको इस सेल्फी पॉइंट का नज़ारा दिखाएंगे। ये दिनेश उतर रहे हैं, उसके पीछे प्रकाश नेगी हैं, फिर हमारे चमोली गोपेश्वर से आए हुए विवेक, बड़े भाई जगदीश पोखरियाल जी, अभी क्रांति भाई का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, अब ये महेंद्र नंबूरी भी उतर चुके हैं, इनके पीछे हमारे तारी बाबू प्रिया, देखिए हाई कर रहे हैं, आपको वेव कर रहे हैं, और सेल्फी पॉइंट के अंदर जाते हुए मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा एक सुंदर जगह को डेवलप किया गया है। यद्यपि हम सब लोग पहाड़ी क्षेत्र से आए हुए हैं, ऐसा नज़ारा चारों तरफ देखने को मिलता है, लेकिन एक शहर में जहां हजारों किलोमीटर तक पहाड़ कहीं दिखता नहीं है, ऐसी जगहों में ऐसी क्षेत्र को डेवलप करना, एक ऐसे पार्क को डेवलप करना भी नूतन पहल कही जा सकती है। जी भट्ट जी, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हैं, ग्रीनरी है चारों ओर, और उसके बीच में एक ऐसा सेल्फी पार्क, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा, शिवराज सिंह जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे शहर को, शहर और प्रकृति के बीच में जो संतुलन बना रहे उसके लिए अच्छा काम किया है, और विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, ग्रीनरी रहे, इस शहर में आकर के लगा। और बहुत, हम तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश सचमुच हार्ट ऑफ, जैसे नाम से है मध्य प्रदेश, उनका हार्ट ऑफ व्हाट कैन आई हैव नॉट एग्जैक्टली बोल्ड नॉर्थ का बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए सेल्फी पॉइंट, एमपी गजब है, मध्य प्रदेश का मदन महल, एक सुंदर जगह। हमारे साथ अशोक सती, दिनेश साहा। हाँ अशोक जी, कैसा लगा? बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य है मंदिर, ये पुराना महल जो बना हुआ है, मदन महल के नाम से जाना जा रहा है मध्य प्रदेश में। काफ़ी टूरिस्ट भी हैं यहाँ जो महल को देखने आए हुए हैं। क्योंकि दिनेश जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, जय बद्री विशाल की जय। आपका क्या नाम है? अस्मिन। कहाँ से आए हैं अस्मिन? दिंदौरी। दिंदौरी से। और कैसा लगा यहाँ पे घूम के? बहुत अच्छा, बोलो। मस्त मस्त लगा, मस्त। कैसे बोलो? बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आपको महल की आप सैर कराते हैं। ये देखिए मदन महल, मध्य प्रदेश सरकार ने, आइए आपको मदन जी, पूरन जी, और बताएं महल के बारे में, कुछ और जानकारी दीजिए हम लोगों को। अशोक जी, अभी पहले हम मदन महल के अंदर चलते हैं, अब देखते हैं अंदर क्या है। चलिए चलिए चलिए, हमारे साथ दिनेश शाह जी, पूरन बिलंगवाल जी, जो हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं, साथ में हमारे नंबूरी जी, महेंद्र नंबूरी जी। अब आपको ले चलते हैं छोटे से कमरे के अंदर, शायद जब ये महल रहा होगा तो यहाँ पे अंदर की ओर चलेंगे, जिससे तो लोगों को दिखाया जा सके कि कैसे यहाँ पे उत्तराखंड बद्रीनाथ महल के गार्ड रहा करते होंगे। जबलपुर, यहाँ से पूरा जबलपुर शहर दिखता है। मैं अशोक सती से कहूंगा कि जरा जबलपुर शहर दिखाइए। तो देखिए यहाँ पे यदि इनके उस समय गार्ड रहते थे होंगे तो पूरा जबलपुर शहर दिखता है यहाँ पे से। बहुत दिलकश नजारा, इतना सुंदर शहर यहाँ पे से दिख रहा है। आइए आपको महल के ऊपर ले चलते हैं, मदन महल के ऊपर, और फिर देखते हैं कि मदन महल के ऊपर से जो ये पूरा जबलपुर शहर है कितना सुंदर दिखता है। ये है मदन महल के बारे में कुछ लिखी हुई बातें भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा। चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं मदन महल के ठीक सामने श्री सिद्ध पंचेश्वर शिवालय गुफा की। एक ऐतिहासिक गुफा है, देखने में भी बहुत दिव्य गुफा, जिसके अंदर स्थित अति प्राचीन शिवालय, जहां पर दर्शन करने वे सब लोग पहुंचते हैं जो मदन महल आते हैं। देखिए भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग,
और अब यहाँ से बाहर की ओर, जहाँ से ऐतिहासिक जबलपुर का एक सुंदर नज़ारा दिखता है, प्राचीन शहर है, बहुत बड़ा शहर है, देखने में काफ़ी आकर्षक है, हम आपसे कहेंगे आप एक बार ज़रूर जबलपुर घूमने आएं, यहाँ का मदन महल देखें, ऐतिहासिक इस शिव गुफा को भी देखें जो मदन महल के ठीक सामने स्थित है। तराई का शहर, जहाँ पर पहुँचकर ये परिकल्पना नहीं की जा सकती है कि पहाड़ी परिवेश कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन पहाड़ का एक नज़ारा हमको ये मदन महल दिलाता है। इस प्रकार से चढ़ाई और काफ़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए उतरते हैं नीचे सड़क की ओर, जहाँ पर हमारी गाड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है और हमारे जो दूसरे साथी हैं वो भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। रात का नज़ारा जबलपुर शहर का, देखिए एक चौराहा और रोशनी में जगमगाता हुआ जबलपुर शहर। ये जबलपुर का कैंट एरिया और ये हमारी एसी बस, जिसमें हमारी पूरी टीम ने 3 दिनों तक जबलपुर शहर, नरसिंहपुर, गोटेगांव समेत कई जगह की शहर की, नर्मदा के घाट में हम लोग गए, हमारी प्यारी सी एसी बस। आपको भी देंगे, आपको भी सेवा का मौका मिलेगा, आप भी आ गए। जय श्री राम, मद्र विशाल भगवान की जय।